अगर मैं आप लोगों से पूछूं इसमें से केडीएम गोल्ड कौन सा है और 916 गोल्ड कौन सा है, तो क्या आप लोग देखकर पहचान सकते हैं? क्या आपको केडीएम गोल्ड और 916 गोल्ड के बीच में डिफरेंस पता है? अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को जरूर देखते रहें। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है वरुण कुमार और मैं हूं आप लोगों का इंडियन बुलियनेयर। आज के वीडियो में मैं 916 और केडीएम गोल्ड के बारे में बात करूंगा, कंपैरिजन करूंगा और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग केडीएम गोल्ड को कैसे पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि केडीएम क्या होता है। तो केडीएम का फुल फॉर्म जो है वो कैडमियम है। कैडमियम एक मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर 48 है और जिसका मेल्टिंग पॉइंट 321.1 डिग्री सेल्सियस है। कैडमियम को वैसे स्पेल करा जाता है सी से, लेकिन अगर आप के से भी स्पेल करेंगे तो वो सिमिलर ही साउंड करेगा। तो कैडमियम का जो शॉर्ट फॉर्म है वो केडीएम कैडमियम से आया है। कैडमियम जो मेटल है वो सॉफ्ट है और बिल्कुल सिल्वर की तरह दिखता है। अब बात आती है कि केडीएम का गोल्ड से क्या लेना देना है। आप लोगों को पता है कि ज्वेलरी बनाने में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। मेकिंग चार्जेस भी इसीलिए ज्यादा लगता है क्योंकि वो कॉइन्स एंड बार्स की तरह नहीं होता है। उसका कोई सांचा नहीं होता कि आपने उसमें डाल दिया और उसी शेप के बहुत सारे बना लिए। ज्वेलरी के बहुत सारे पीसेज होते हैं, कस्टम पीसेज होते हैं, पर्सनलाइज बनाते हैं लोग और हर एक डिजाइन अलग ही होता है। जितना नया डिजाइन होता है उतना ही लोगों को पसंद आता है और उतना ही वो पैसा देने को तैयार होते हैं। लेकिन आपको ये बता देता हूँ कि जो ज्वेलरी होती है उसमें हर एक जो पार्ट होता है, जो कॉम्पोनेंट होता है, वो सेपरेटली ज्वाइन करा जाता है और इसे ज्वाइन करने का एक तरीका होता है जिसे हम कहते हैं सोल्डरिंग। आपने इसे जरूर सुना होगा। ये जो सोल्डरिंग का तरीका होता है ये एक सोल्डर गन की मदद से करा जाता है जो कि या तो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है या गैस से चलता है। उसका मेन मोटिव ये होता है कि एक मेटल का एलॉय लेकर आप अपने ज्वेलरी के पीसेस को कनेक्ट करोगे। वो कैसे? आपने मेटल का एलॉय लिया, दो ज्वेलरी पीसेस के बीच में रखा, सोल्डरिंग गन चलाई, उसमें से जो हीट निकलती है उससे जो आपका एलॉय होगा वो पिघलेगा और आपके जो दो पार्ट्स होंगे वो चिपकेंगे। तो ये था थोड़ा इन्फॉर्मेशन सोल्डरिंग के बारे में। केडीएम से पहले जो सोल्डरिंग करी जाती थी उसे टांका कहा जाता था। उसमें क्या होता था, आपका जो एलॉय जो मेटल का पीस है उसकी जो प्योरिटी है वो अलग होती थी, वो मेटल ही अलग है, और आपका जो गोल्ड ज्वेलरी है उसका जो मेटल कंटेंट होता था, जो बेस कंटेंट होता था वो कम होता था, लेकिन जो एलॉय था उसका कंटेंट ज्यादा होता था वेट में। और वो होना भी चाहिए, क्यों? क्योंकि अगर आपका जो बेस मेटल था यानी कि 22 कैरेट गोल्ड और आपका जो एलॉय होता है वो भी 22 कैरेट गोल्ड है तो कोई फायदा नहीं है क्योंकि साथ में दोनों पिघल जाएंगे। आपने दो कंपोनेंट्स को जोड़ना है। अगर आपने दोनों को पिघालना है तो आप दोनों गोल्ड ले सकते हो, लेकिन आपने एक को पिघालना है यानी कि जो आपका सोल्डरिंग मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट है वो आपके 22 कैरेट गोल्ड से कम होना चाहिए। तो टांका में यही होता था, जो आपका सोल्डरिंग मेटल एलॉय का जो पीस होता था उसका जो वेट होता था, जो कंटेंट होता था वो ज्यादा होता था, लेकिन उसके वजह से जो गोल्ड का कंटेंट होता था वो कम हो जाता था। तो जब आप उस गोल्ड को बेचने जाते थे और मेल्ट करवाते थे तो जरूरी नहीं है कि आपका 22 कैरेट गोल्ड 22 कैरेट निकलेगा, क्योंकि जो इम्प्योरिटीज वाला कंपोनेंट था उसका वेट आपके 22 कैरेट गोल्ड से ज्यादा था। तो वहां ये प्रॉब्लम हुई कि जो कंज्यूमर 22 कैरेट गोल्ड के लिए देता था उसको 18 कैरेट गोल्ड का पैसे मिलते थे। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए मार्केट में केडीएम आया यानी कि कैडमियम। तो कैडमियम को यूज कैसे करते थे, एक मेटल का एलॉय बनता था यानी कि एक पीस बनता था मान लो, या स्ट्रिप बनती थी जिसमें 92% गोल्ड होता था और 8% कैडमियम। उस केडीएम वाले पीस को आपके ज्वेलरी पे रखा जाता था, सोल्डरिंग गन चलाया जाता था और आपके कंपोनेंट्स को चिपकाया जाता था। केडीएम का ये फायदा हुआ करता था कि जब आप अपने केडीएम वाले ज्वेलरी को बेचने जाओगे तो आपको जो 22 कैरेट का जो ज्वेलरी का फाइननेस है, जो प्योरिटी है, वो आपको पूरी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि कैडमियम की वजह से आपका बेस मेटल की प्योरिटी या फाइननेस या वेट कम हो जाए। तो केडीएम ने ये चीज तो सॉल्व जरूर करी। मेनली कैडमियम को इसलिए यूज करा गया था क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट कम था और दूसरा वो जल्दी काम कर देता था, लेकिन जल्दी का काम शैतान का काम। वो मैंने इसीलिए बोला क्योंकि कैडमियम को बर्न करने से जो गैस निकलती है वो कैंसरस होती थी, बहुत डेंजरस होती थी, और वो इसीलिए क्योंकि जो कैडमियम मेटल है वो कार्सिनोजेनिक है। और इससे सिर्फ कारीगर्स को प्रॉब्लम नहीं होती थी, जो कंज्यूमर्स इसे खरीदते थे उनको कभी कभी स्किन इरिटेशन भी होने लगी और काफी सीरियस होती थी वो। इससे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि कैडमियम के साथ हुआ क्या, मैं आप लोगों को ये जरूर बता देता हूँ कि आप लोग आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो, आप लोग पहचान कैसे सकते हो कि आपका गोल्ड कैडमियम का बना है कि नहीं। सबसे पहले शुरुआत इसी से करते हैं क्योंकि ये मेरे हाथ में है, तो दिखने में तो देखो कोई नहीं कह सकता ये केडीएम है या 22 कैरेट का नॉर्मल गोल्ड है, नहीं कह सकते कि कैसे सोल्डर हुआ है। लेकिन आप जैसे ही इसको घुमाओगे यहाँ पीछे देखो 22K यानी कि 22 कैरेट तो ये है ही, लेकिन केडीएम
यानी कि ये केडीएम से सोल्डर करा गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं इस वाले पीस पर, तो यहाँ पर भी देखने में तो देखो कोई कह नहीं सकता है कि ये 22 कैरेट है या केडीएम है। चेक कर लेते हैं, यहाँ पे काफी सारे मार्क्स हैं, ज्वेलरी में काफी सारे मार्क्स हो सकते हैं। सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा 22C यानी कि 22 कैरेट, चलो ये भी 22 कैरेट गोल्ड से बना है। अब केडीएम ढूंढते हैं, लो जी ये भी केडीएम निकला, यानी कि इसमें भी सोल्डरिंग जो है वो कैडमियम से हुई है। अब एक बार इसे भी चेक कर लेते हैं, जो पीछे हार है यहाँ पर भी सामने विजिबल है 22K, और उसके राइट में आपका केडीएम भी लिखा है, यहाँ पर है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो पॉज करके भी देख सकते हैं, जूम भी करके दिखा देता हूँ। ये देखो के थोड़ा ब्लर हो गया लेकिन डीएम तो दिख ही रहा है। तो अगर आपके घर में कोई भी केडीएम वाला गोल्ड है, मतलब आपको पता नहीं आपके पास गोल्ड है, पुराना गोल्ड होगा, आपने इनहेरिट करा होगा, या कभी आपने खुद लिया होगा, आपको खुद नहीं पता है कि वो किससे सोल्डर करा गया है, तो आई थिंक आप चेक कर सकते हो, आप अपने आप देख सकते हो कि केडीएम है कि नहीं। अब एक बार इसको भी देख लेते हैं इसमें क्या है। अगर आपने मेरे BIS हॉलमार्क्स वाली डिटेल्ड वीडियो देखी है ना, तो आप लोगों को पता है कि ये केडीएम से बना है कि नहीं। अगर नहीं देखिए तो इस वीडियो के बाद जरूर देखें, बहुत डिटेल्ड वीडियो है, काफी जानकारी मिलेगी आपको BIS हॉलमार्क्स के बारे में। एनीवेज वापस बढ़ते हैं, तो आइडेंटिफाई करने के लिए या तो इसकी लाइनिंग में होता है या कभी कभी सेंटर में होता है, तो एक बार चेक कर लेते हैं सेंटर में, एंड यहाँ पर विजिबल तो है। ये रहा आपका BIS हॉलमार्क, तो लेफ्ट में स्टार्ट करते हैं आपके BIS के लोगो से। BIS लोगो के बाद है आपका 916 यानी कि 22 कैरेट गोल्ड, उसके राइट में है आपका SS सेंटर का इनिशियल, और उसके राइट में है आपका ज्वेलर का लोगो। तो ये है आपका प्रॉपर BIS का हॉलमार्क, इसमें KDM नहीं है, ये रेगुलर गोल्ड है जो बाकी सारे मेटल्स से सोल्डर करा गया है। अब बात करते हैं कि KDM का क्या हुआ, KDM गायब क्यों हुआ। तो BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने 1999 में एक क्लॉज निकाला जो डॉक्यूमेंट IS 1417 1999 में दिया गया था। वहां साफ साफ लिखा है कि सोल्डरिंग के लिए कैडमियम का यूज करना बंद कर दो या यूज नहीं करना है, कैडमियम फ्री होना चाहिए सोल्डरिंग। इस सर्कुलर के बाद भी यानी कि बैन होने के बाद भी काफी ज्वेलर्स थे जो केडीएम का गोल्ड बेचते थे, तो BIS ने नेशनल सेंटर ऑफ हॉलमार्किंग को भी बोला कि प्लीज थोड़ी इंस्पेक्शन करो। इंस्पेक्शन करने के बाद काफी ज्वेलर्स पकड़े गए जिन्होंने केडीएम यूज किया, उनको फाइन भी करा गया और उनके लाइसेंस भी लिए गए। लेकिन केडीएम ही नहीं है जो बैंड था, उस लिस्ट में रुथीनियम और इरिडियम भी बैंड है। बिल्कुल सही किया BIS ने, ऐसा मेटल तो यूज ही नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से ये चीजें पहले होनी चाहिए। इतनी सारी ज्वेलरी बनाने के बाद ये अगर निकला है तो आई एम नॉट श्योर, मुझे ये नहीं पता एग्जैक्टली कि BIS को पता भी था कि कैडमियम बर्न करने से कैंसरस हवा बनती है कि नहीं, टॉक्सिक फ्यूम्स बनते हैं कि नहीं। अगर पता होता तो शायद ही वो पहले से ही मना कर देते, बट ये चीज हमें नहीं पता है कि ये कैसे हुआ, या तो ऐसे केसेस हुए थे इसके वजह से बैन करना पड़ा। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वर्ल्ड वाइड ये चीज बैंड है, जो डेवलपिंग नेशंस है वहां पर ज्यादा KDM यूज किया जाता है, वरना बाहर ग्लोबली तो आई थिंक पूरी तरह बैंड है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि रेगुलर सोल्डरिंग जो होती थी यानी कि केडीएम से पहले जो गोल्ड था उस समय सोल्डरिंग को कहते थे टांका, उसके बाद जब कैडमियम यूज करना शुरू किया सोल्डरिंग के लिए तो उस गोल्ड को बोलने लगे केडीएम। अगर मैं तीन रीजन बताऊं कि कैडमियम यूज क्यों किया गया, पहला तो इसलिए क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, दूसरा कि जल्दी काम हो जाता है, तीसरा जब आप उसको बेचने जाओगे तो ये नहीं है कि आपका जो मेटल एलॉय है कैडमियम का उसके वजह से आपकी गोल्ड की प्यूरिटी या गोल्ड का फाइनेंस कम हो जाएगा, 22 कैरेट का 22 कैरेट ही मिलेगा। अब देखो दिखने में दोनों सेम दिखते हैं मोस्टली, और हैं भी दोनों 22 कैरेट गोल्ड, लेकिन जिस तरीके से सोल्डर करा गया है, दो पार्ट्स को जोड़ा गया है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। अब मेरे दिमाग में थोड़े थोड़े सवाल आए थे इससे रिलेटेड, और आप लोगों के भी थोड़े सवाल आए थे मुझे काफी पहले, तो मैंने सोचा मैं उसको भी आंसर करने की कोशिश करता हूँ। काफी सवाल होंगे जिनके आंसर मेरे पास नहीं है, लेट्स सी। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि अब कैसे सोल्डरिंग होती है, केडीएम बैन हो गया अब क्या होता है। अब जिंक या बाकी जो मेटल एलॉयज होते हैं उनको यूज करा जाता है और उससे सोल्डरिंग करी जाती है, वो सेफ है इसलिए शायद अभी तक चलती आ रही है। तो जो जो मेटल्स BIS ने अप्रूव करे हैं उन मेटल्स की मदद से आज सोल्डरिंग होती है। बात आती है कि अगर हमारे पास है केडीएम वाला सोना तो उसको कैसे बेचें। अब देखो मेरे पास भी ये सेम सवाल है, कहाँ बेचें, मैं क्या करूंगा, मैं ज्वेलर्स के पास जाके पता करूंगा इसकी कितनी रीसेल वैल्यू मिल सकती है, अगर मिल सकती है तो।
अब ज्वेलर आपको ये तो ज़रूर बोल सकता है कि ये बैंड मेटल है तो शायद वो ना ले, या फिर वो आपको ये कह सकता है कि मैं आपको कम वैल्यू दूंगा। तो अगर मैं बात करता हूँ कि कितना पैसा मिलेगा, ये नहीं पता है, लेकिन मैंने ऑनलाइन काफ़ी जगह पढ़ा तो लोगों ने लिखा है 50% से लेके 80% तक की उनको वैल्यू मिली है, तो ये देखना पड़ेगा। तो कुछ पता नहीं है इसकी कितनी वैल्यू होगी, मैं नहीं बता सकता, आपको इंडिविजुअली जाके चेक करना पड़ेगा, अपने लोकल शॉप में ज्वेलर के पास जाके पता करना पड़ेगा अगर वो लेगा तो कितने में लेगा। अगर आप चेक करते हैं तो प्लीज़ मुझे भी आकर बताएं। अगर आप नीचे कमेंट नहीं करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं @IndianBullionaire, और आप मुझे ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हैं। सारी लिंक्स जो होंगी डिस्क्रिप्शन में होगी, कांटेक्ट कर सकते हैं आप मुझे, टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं जहां हम डिस्कशन करते हैं, वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक मिल जाएगा। एक और सवाल आया था कि मार्केट में KDM खुलेआम मिल रहा है, वो कैसे? इनका जो केसेस है वो ज्यादातर गांव में हुआ है, क्योंकि गांव में ज्यादा इंस्पेक्शन होती नहीं है, और जहां होती है वो पकड़े जाते हैं ऑब्वियसली। इनफैक्ट शहर वाले हों या गांव वाले हो, काफी लोग होंगे जिनको आज तक KDM के बारे में नहीं पता है। तो मैं क्या चाहता हूं, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने जानने वालों के पास, जिनके पास गोल्ड हो या ना हो तब भी शेयर करें, ताकि अगर फ्यूचर में वो कभी गोल्ड लेते हैं, ऐसा ना हो कि ज्वेलर आपको KDM पकड़ा दे। उनके पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, वो उनसे मांगे और एक बार चेक करें कि BIS का हॉलमार्क कहां पर है। अगर आपको सस्ते में भी KDM मिल रहा है तो कृपया करके ना लें। मैं तो यही कहता हूं, जितना हो सके BIS हॉलमार्क की गोल्ड लो, चाहे 14 कैरेट हो, 18 कैरेट हो या 22 कैरेट हो। BIS हॉलमार्क भी फेक हो सकते हैं, लेकिन आने वाले सालों में देखते हैं कि BIS इस पे सिक्योरिटी मेजर्स कैसे अप्लाई करता है। जनवरी 2021 के बाद से तो आपको सिर्फ हॉलमार्क ज्वेलरी ही मिलेगी, और आपको लेनी भी वही चाहिए, तो देखते हैं कि इसमें इंप्रूवमेंट कैसे होता है। एक और सवाल मुझे थोड़े दिनों पहले आया था किसी का, कि क्या हॉलमार्क सोने के वेट के हिसाब से लगता है, यानी कि पर ग्राम? ऐसा नहीं है। अगर आपका ज्वेलर आपसे पर ग्राम चार्ज कर रहा है तो प्लीज वहां से बिल्कुल ना लें। इस वीडियो के एंड करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं। अगर आपको लग रहा है कि मैंने आज के समय में KDM गोल्ड क्यों रखा हुआ है, तो ये मैं आप बात बताना चाहता हूं कि ये गोल्ड एटलीस्ट 25-30 साल पुराना है, जब मैं पैदा नहीं हुआ था तब के जमाने का है, और तब यही गोल्ड बिकता था, तो जो गोल्ड बिकता था वही लोग लेते थे, तो ये उसी गोल्ड में से है। एंड मैंने अब पढ़ा है KDM के बारे में, तो शायद अब वो चीज मेरे अंदर जागी है, अब मुझे पता है, तो अब मैं ये कोशिश करूंगा कि इसको बेच सकें। तो ये थी KDM के ऊपर वीडियो। मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता था कि KDM और 916 में एक्चुअली क्या डिफरेंस है। तो वैसे दोनों ही 916, कहने को तो दोनों 22 कैरेट है, और 22 कैरेट तो आपका 916 गोल्ड ही होता है, लेकिन पूरी बात एक ही चीज पे घूमती है, वो है सोल्डरिंग कैसे करी गई है, एक कैडमियम से और एक जिंक और बाकी सारे मेटल्स से। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें अपने थॉट्स। अगर आपके पास कैडमियम गोल्ड है, यानी कि KDM गोल्ड है, आप क्या करेंगे? क्या आप लोगों को KDM गोल्ड के बारे में इतना कुछ पता था कि नहीं? और हाँ, क्या आप इस वीडियो को आगे अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करेंगे कि नहीं? आई होप आप जरूर करें। तो शेयर जरूर करें इस वीडियो को, एंड फाइनली सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।